आखिरी बात मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा भी था जब हम अकेले थे, मिनिस्टर पोर्ट्स ने भी बात जरूर की, एक चीज़ आपने कहा था कि कराची शहर के लोगों को अलग एतराज़ है, अलग नहीं एतराज़ है, सात एतराज़ है, ये प्लीज़ नोट करें, ये अलग एतराज़ नहीं, कराची मेरा शहर है, मुझे एतराज़ कराची की, हमें गलत गिना गया है, ये अलग करके डिवीजन ना पैदा करें। नहीं, कोई बात ऐसी कहेंगे जो नागवार गुजरेगी, सही नहीं लगेगी, मैं सामने पता है मिनिस्टर को के सामने कहने वाला, अलग एतराज़ नहीं होता, हम साथ हैं और हमारी पॉपुलेशन को प्राइम मिनिस्टर साहब आपको डॉक्यूमेंट करके देंगे कि गलत गिना गया है, मिनिस्टर प्लानिंग बैठे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेहरबानी करके हमारे साथ एक घंटा निकालें और बैठें, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मसले हुए हैं, मेरे पास अगर आज कहेंगे तो अभी भी तैयार है, लेकिन आप जब कहेंगे मैं इस्लामाबाद हाजिर हो जाऊँगा और आपको बताऊँगा, और इंशाल्लाह ताला ये एक साथ बैठा है, एक मैंने कभी भी अलग नहीं कहा, ये अलग अलग पहले नहीं कहा। तो बल्कि आज भी यही बात हुई थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बैठे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने यही बात हुई थी। सर मुझे वही हो रहा था, पता नहीं आपने वो कहा था कल में, पता नहीं क्या, वो नहीं समझ आई थी मुझे। मैंने पता है सर, फैसल साहब और हम काफ़ी अर्सा साथ रहे, इनको भी 20 साल हो गए सियासत में, मैं भी इनके साथ ही आया था। खैर, प्राइम मिनिस्टर साहब एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोजेक्ट को इस वक्त सही ने इंक्लूड किया है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो 126 अरब रुपए दिसंबर 2024 तक इसे कंप्लीट करना है, अगर वो पैसे इंश्योर करें कि मुहैया हों, और उसके साथ साथ पानी की अवेलेबलिटी के लिए जो मैंने कहा है कि हमारे दो प्रोजेक्ट्स हैं लाइनिंग के और एक्सपेंशन ऑफ किंजर, उसके भी आप करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम किसी और को नाराज़ कर रहे हों पानी देने के लिए। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने आज चीफ मिनिस्टर साहब आके और इस तकरीब का शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद।